दिल्ली के शमशाबाद नगर परिषद सूर्यनगर स्थित सामुदायिक भवन में नगर परिषद सीएमओ रणवीर सिंह राजपूत ने कब्जा जमाया हुआ है, जिससे नगरवासियों को अपने मांगलिक कार्यों के लिए मोटी रकम देकर कार्यक्रम करना पड़ रहा है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी भाई द्वारा 2009 में नगर के लोगों को मांगलिक कार्यक्रम के लिए लाखों रुपए की लागत से भवन का निर्माण कराया गया था, ताकि गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके। वहीं कांग्रेस ने प्रशासन के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर कार्यवाही की मांग की है। संबंध में तहसीलदार द्वारा जांच कर कार्यवाही करने की बात कही जा रही है। सामुदायिक भवन का निर्माण माननीय मंत्री जी से स्वीकृत करके कराया कि शमशाबाद की जनता को इसका लाभ मिले, लोग अपने कार्यक्रम कर सकें। लोग भली भांति से जिनका पैसा जो है धर्मशालाओं में गार्डनों में व्यतीत होता है, वो पैसा बचे, इस रूप में अपने इसके लिए स्वीकृत कराया था। अब आजकल कौन उपयोग कर रहा है इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, परंतु अभी आपके द्वारा मुझे मालूम पड़ रहा है कि उसमें सीएमओ साहब ले रहे हैं, ये सरासर गलत है, क्योंकि वो सामुदायिक भवन है। वो सामुदायिक भवन का उपयोग सार्वजनिक रूप में होता है, ना कि किसी के रहने के लिए जगह होती है। और जनता परेशान है, मामले कार्यक्रम के लिए सामुदायिक भवन बनाया गया था, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाए, क्या कारण है सामुदायिक भवन के नाम से अलग से इसका? मामले में ये जानकारी थी कि वो सीएमओ निवास के रूप में थे और रेस्ट हाउस के रूप में थे, अब आपने मुझे दिखाया कि वो सामुदायिक भवन है, तो उस समय हम जांच करेंगे, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी।